नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज जंक्शन 24 में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। तो चलिए आज के अहम खबर की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं टिहरी की, तो यहां से विधायक किशोर उपाध्याय के साथ एक भयावह हादसा हुआ। जी हां, विधायक कई अन्य कार्यकर्ताओं संग सुरकंडा माता दर्शन को पहुंचे, लेकिन यहां पर श्रद्धालु संग वो भी हवा में लटक गए। यह हम आपको क्यों कह रहे हैं, इस पूरी रिपोर्ट को देखिए और समझिए। जी हां, विधायक जी जब कार्यकर्ताओं संग सुरकंडा माता के दर्शनों से वापस लौट रहे थे, तब श्रद्धालु की जान उस वक्त हलक में फंस गई जब लौटते समय अचानक ही रोपवे की ट्रॉलियां हवा में रुक गई। जी हां, हुआ यूं, विधायक किशोर उपाध्याय और कुछ कार्यकर्ताओं ने माता के दर्शन करने के बाद वहां से वापसी की, लेकिन वापसी के दौरान ट्रॉली टावर नंबर 4 के पास आकर टेक्निकल डिफॉल्ट के कारण अचानक रुक गई, जिसके बाद सभी के डर से पसीने निकलने लगे। लगभग आधे घंटे बाद टेक्निकल फॉल्ट ठीक किए जाने के बाद सभी 16 ट्रॉलियां रोपवे के प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित पहुंचाई गई। उसके बाद विधायक किशोर उपाध्याय ने इस घटना को गंभीर बताया और कहा कि हम ऐसे किसी की जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकते, वहीं इस मामले को गंभीरता से लिए जाना चाहिए। रोपवे संचालक कंपनी को इसे जल्द ठीक करना चाहिए। साथ ही बताया कि उन्होंने प्रशासन को भी रोपवे संचालन की लगातार निगरानी करने को कहा है। आपको बता दें, SDM लक्ष्मीराज चौहान ने ब्रेटकुल को रोपवे की तकनीकी जांच के लिए पत्र लिखा, साथ ही जांच होने तक संचालन पर रोक लगा दी है। इस मिनट से हम अदर में हैं, हवा में हैं, ट्रॉली में हैं, और थोड़ा सा ये आगे बढ़िए और फिर ये जो है फिर फंस गई है यहाँ पर। और मैं सबसे जो इस समय उसमें है, अगर सबका नेटवर्क चल रहा है, जो लोग इस समय ट्रॉली में फंसे हुए हैं, मैं उनसे निवेदन ये करना चाहता हूँ कि वो पैनिक ना हो, इसका रास्ता निकाल लिया जाएगा। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वो तुरंत इसका संज्ञान ले, और नहीं तो जो है जो SDRF इनसे बात करके, ट्रॉली संचालकों से बात करके, नहीं तो SDRF की व्यवस्था करे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, देखते रहिए न्यूज जंक्शन 24। नमस्कार।